पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था रियल नंबर, आज की हमारी टॉपिक है पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल हम उसे कहते हैं जिसमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल के साथ साथ कांस्टेंट भी हो। एग्जांपल दैट, जैसे पहला है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यहां पर एक्स हमारा वेरिएबल, बी हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है। तो मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के साथ साथ कोई कांस्टेंट हो उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। अब अगला एग्जांपल है हमारा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगला पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये सब हमारे एक पॉलिनोमियल हैं। पहला पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, इसको पढ़ते कैसे हैं, पी ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। पी एक फंक्शन है जो कि डिनोट करता है एक्स वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स को। पी एक ऐसा फंक्शन है जो एक्स नाम के वेरिएबल को का पॉलिनोमियल है, जो है इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यहां पर एक्स का पावर देखेंगे हम, एक्स का यहां पावर है वन, एक्स का पावर वन है, इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पर है हमारा कोफिशियंट है एक्स स्क्वायर का, बी कोफिशियंट है एक्स का और सी हमारा कांस्टेंट टर्म है। यहां पे हम देखेंगे एक्स का हाईएस्ट पावर टू है, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें एक्स की हाईएस्ट डिग्री टू है। तीसरा है हमारा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहां पे हमारा एक्स का हाईएस्ट पावर है थ्री, तो इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसी तरह सिमिलरली अगर एन डिग्री तक हम लिखें पी एक्स इक्वल टू ए एक्स के पावर एन प्लस ए सॉरी बी एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स के पावर एन माइनस टू प्लस डैश 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 प्लस कोई कांस्टेंट टर्म एन, ये हमारा एन डिग्री का पॉलिनोमियल है जी। एक्स के पावर एन का कोफिशियंट ए, एक्स के पावर एन माइनस वन का कोफिशियंट बी, एक्स के पावर एन माइनस टू का कोफिशियंट सी, सिमिलरली कांस्टेंट टर्म हमारा लास्ट में एन है। ये हमारा, अब जो हमारा पावर है उसको हम डिग्री बोलते हैं। पहला एक्स का पावर वन, यहां पॉलिनोमियल की डिग्री वन है, यहां पॉलिनोमियल की डिग्री हमारा वन है क्योंकि ये लिनियर पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू वन है, हाईएस्ट वैल्यू वन। दूसरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें एक्स की हाईएस्ट वैल्यू पावर टू है जिसको बोलेंगे पॉलिनोमियल की डिग्री टू। सेम उसी तरह यहां पे थ्री, यहां पे एन डिग्री। अगली टॉपिक है हमारा कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल। पहला एट लीस्ट वन वेरिएबल होना चाहिए, जैसे हम लिखें थ्री, क्या ये थ्री पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। अगर हम लिखते हैं x प्लस टू, क्या ये पॉलिनोमियल है? है, क्योंकि यहां पर x का हाईएस्ट पावर वन है और जब हाईएस्ट पावर वन है तो ये लिनियर पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। अगर हम कहें x, क्या ये पॉलिनोमियल है? है, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म हम जीरो ले सकते हैं अपने से, बस एक एटलीस्ट वन वेरिएबल होने चाहिए और उस वेरिएबल का मिनिमम पावर वन होना चाहिए, क्योंकि अगर पावर जीरो हो गया किसी वेरिएबल, लेट कर लेते हैं जेड वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, अगर इसके पावर जीरो हो जाए तो ये वन हो जाता है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो
एट लीस्ट वन वेरिएबल हो और कम से कम एक वेरिएबल पे जी पावर जीरो होना चाहिए। ये हमारा था कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगली टॉपिक हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जब हम किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं और उसकी उस वेरिएबल की जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं जीरोज या रूट्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दैट 3x + 7 = 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3x = 7 उधर गया -7, x की वैल्यू होगी -7/3। ये हमारा जो x का मान आया है, x की वैल्यू आई है, यही हमारा जीरोज है या रूट्स है पॉलिनोमियल का, ये जीरोज है या रूट्स है। अब बात करते हैं किसी पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होंगे। पहला, जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी किसी वेरिएबल का, जितना पावर हाईएस्ट होगा उतना ही उसका रूट्स होगा, उतना ही उसका जीरोज होगा। पहला अगर हम यहां पर देखेंगे तो ये एक लिनियर पॉलिनोमियल है, यहां पे एक लिनियर पॉलिनोमियल है, इसका हाईएस्ट पावर 1 है तो इसका केवल 1 सॉल्यूशन होगा जो कि -7/3 आया है। अगला एग्जांपल अब हम लेते हैं x² + 5x + 6। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि यहां पर x का हाईएस्ट पावर 2 है, x का हाईएस्ट पावर यहां पर 2 है, तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसके कितने जीरो होंगे? यहां पर हम डिग्री देखते हैं, x की हाईएस्ट डिग्री यहां पर 2 है तो इसके कितने जीरो होंगे? 2 होंगे, इसके जीरो होंगे 2 जीरो होंगे। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, x² + 3x + 2x + 6, x कॉमन लेंगे हम, यहां x + 3 बचेगा, यहां से हम 2 कॉमन ले लिए, यहां पे x + 3 बचेगा। अब ये इन दोनों में x + 3 हमारा कॉमन है, x + 3 कॉमन निकल गया, बचा क्या? x + 2। अगर हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें, अगर हम इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर दें तो यहां से x की वैल्यू, एक हमें -3 मिलेगा, एक हमें -2 मिलेगा। यहां कितनी वैल्यू मिली? 1 और 2, 1 और 2। यहां पे कितने जीरोज मिले हमें? 2। तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो और सॉल्व करने पे उसके 2 रूट मिले, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब बात करते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग की, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया जा सकता है, किसी पॉलिनोमियल के ग्राफ बनाए जा सकते हैं। जैसे हम कहें लिनियर पॉलिनोमियल, लिनियर पॉलिनोमियल, अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें, अगर हम कोई लिनियर पॉलिनोमियल है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, जो कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर इस पे हम ग्राफ ड्रॉ करें तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, चाहे वो ये बने चाहे किसी भी तरह का एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं लिनियर पॉलिनोमियल। तो जियोमेट्रिकल मीनिंग लिनियर पॉलिनोमियल के लिए, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन बने, वो हमारा लिनियर पॉलिनोमियल है। दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जो एक सिमेट्रिक रिजल्ट दे, किसी वेरिएबल की 2 वैल्यू दे। वो अगर हम इसका अगर ज्योमेट्रिकल ग्राफ खींचेंगे तो वो एक पैराबोला शेप का फिगर बनेगा, चाहे वो वाई एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाए चाहे वाई एक्सिस के, वो क्या है? पैराबोला बनेगा। ये कौन सा पैराबोला? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फिगर क्या होगा? एक पैराबोला होगा। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल,
क्यूबिक पॉलीनोमियल, ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो। तो इसमें किसी भी तरह के ग्राफ हम पॉइंट पे रख के बनाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर पॉलीनोमियल हमारा जिस डिग्री का होगा, लिनियर पॉलीनोमियल जिसका एक फॉर्म स्ट्रेट लाइन बने, दूसरा पैराबोला, ये हमारे प्लेन फिगर पे 2D कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर हम बोले पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, अगर हम कहें कि इसके कितने रूट्स होंगे, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, तो हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ हमारा बना है वो कितनी जगहों पे एक्सिस को कट करता है, जो ग्राफ हमारा बना है वो कितने एक्सिस पे कट करता है। पहला एक पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5। अगर पॉलीनोमियल हमारा एक्स वेरिएबल का है तो उस पॉलीनोमियल के जीरोज कितने जीरोज होंगे, 5 जीरोज। कितने जीरोज होंगे उसके, 5 जीरोज। अगर हम कहें पॉलीनोमियल वाई डिग्री का है तो इसके कितने जीरोज होंगे, 1 एंड 2, टोटल 2 जीरोज होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल यहां पे हम लेते हैं, यहां पे पॉलिनोमियल कोई है, यहां पे इसके कितने जीरोज होंगे, 1 एंड 2, 2 जीरोज। अगर हम इस ग्राफ के पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो उसके कितने जीरोज होंगे, 2, मैक्सिमम 2 जीरोज। अब आते हैं अगली टॉपिक पे हमारा, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। पहला यहां हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c, ax² + bx + c। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम इसे सॉल्व करें तो दो रूट्स इसके आएंगे, अल्फा एंड बीटा। इसको सॉल्व करने पे दो रूट आएंगे, अल्फा एंड बीटा। अगर हम इनका सम करें, सम ऑफ जीरोज या रूट्स, अल्फा प्लस बीटा, अगर सम करेंगे रूट्स का, तो इस जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला बनेगा -b/a, जहां माइनस क्या है हमारा, कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड ए कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला सम रूट्स का क्या बनेगा, α+β = -b/a। अब करते हैं मल्टीप्लीकेशन, रूट्स के मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें तो इसका फॉर्मूला बनता है c/a, वेयर c इज द कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल एंड a इज द कोफिशियंट ऑफ x²
a is the coefficient of x square and c is the constant term of a polynomial. अब अगर हमें दो रूट दिए हो अल्फा एंड बीटा, किसी पॉलिनोमियल्स के दो रूट हो अल्फा एंड बीटा, अगर इससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ रूट्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है जब दो रूट हमारे गिवेन हो। एग्जांपल ले लेते हैं, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके रूट हैं हमारे थ्री एंड सम ऑफ रूट्स हैं थ्री एंड मल्टीपल ऑफ रूट है फोर। किसी पॉलिनोमियल के जीरोज का सम है अल्फा प्लस बीटा जो कि थ्री है एंड मल्टीप्लीकेशन है फोर, वेयर अल्फा एंड बीटा रूट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अगर इससे हमें पॉलिनोमियल बनाना हो तो फॉर्मूले पे यहां पे अल्फा प्लस बीटा हमें थ्री दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा फोर दिया है, तो हम कैसे बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम रखेंगे थ्री इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा फोर, नहीं अल्फा इंटू बीटा फोर, अल्फा इंटू बीटा फोर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थ्री, अल्फा इंटू बीटा बराबर फोर। ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल जिसके जीरोज का सम थ्री एंड मल्टीप्लीकेशन फोर है। अगर हम कहें कि दो एक एग्जांपल और लेते हैं, एक रूट है टू एक रूट है टू दूसरा रूट है थ्री। अब इससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो अल्फा प्लस बीटा पहले निकालेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे थ्री टू फाइव, और अब मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स। अब हम पॉलिनोमियल बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले से अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा है फाइव एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा सिक्स। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहां हम कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, एग्जांपल अगर कोई पॉलिनोमियल हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्स, इसका हमें अगर सम निकालना हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इसको कंपेयर कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ए की जगह हमारा वन है, बी की जगह इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्स, कंपेयर करा देते हैं कोफिशियंट्स का, ए हमारा वन, बी माइनस ट्वेल्व, सी सिक्स है। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस बी हमारा क्या है यहां पे माइनस ट्वेल्व, बी क्या है माइनस ट्वेल्व अपॉन ए हमारा वन है माइनस माइनस प्लस, यानी हमारा सम ऑफ जीरोज क्या है ट्वेल्व। अब रूट मल्टीप्लीकेशन निकालना हो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए,
सी बाई ए। ठीक, ये हमारा सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज एंड ये सम मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो। ये हमारा सिलेबस था बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, जीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल एंड रिलेशन बिटवीन कोफिशियंट एंड जीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल। अगला टॉपिक हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलीनोमियल का एक स्पेशल कंडीशन। अगर कोई पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का है, अगर उसको इक्वेट किसी कॉन्स्टेंट टर्म से करा दे तो वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एग्जाम्पल दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। इसको किसी कॉन्स्टेंट जीरो के इक्वेट अगर हम करा देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमारा कन्वर्ट किसमें होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा वेरिएबल जिसके हाईएस्ट पावर टू हो, जिसका वेरिएबल जिसका हाईएस्ट पावर टू हो और उसका जो कोफिशियंट हो वो नॉन इक्वल टू जीरो हो, उस वेरिएबल का कोफिशियंट एक्स स्क्वायर का नॉन इक्वल टू जीरो और पूरा पॉलीनोमियल हमारा इक्वल किसके हो, जीरो के, ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला टॉपिक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू फॉर्म का है, प्लस सी इक्वल टू जीरो फॉर्म का है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन हो तो वो हमारा कौन सा इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एग्जाम्पल पहला एक्स क्यूब प्लस वन, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, क्यों, एक्स का हाईएस्ट पावर थ्री है तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, नहीं है, क्यों, यहां पर एक्स स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल हो जाएंगे, हमारा रिजल्ट बना फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। एक्स का हाईएस्ट वेरिएबल यहां डिग्री क्या है, वन, एक्स का हाईएस्ट डिग्री यहां पे क्या है, पावर वन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर हम लिखें इसको, अगर हम सॉल्व करें बराबर जीरो, थ्री एक्स इधर आएगा माइनस थ्री एक्स बराबर जीरो, अगर हम इसको लिखें 29x प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब इससे कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, यहां पे वन, ए हमारा वन है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल 29 बी, एक्स हमारा वेरिएबल प्लस सी यहां कॉन्स्टेंट है, यहां कॉन्स्टेंट 6 है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म किसका बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहां पे हम दो क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन वन, एक्स प्लस टू के पावर होल क्यू इक्वल टू टू एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन,
x प्लस टू के पावर होल क्यूब इक्वल टू टू एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब b क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स बराबर टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। टू एक्स को इधर ट्रांसफर करें तो माइनस एक्स क्यूब होगा, माइनस टू में से वन गया माइनस वन प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर ट्वेल्व एक्स, टू एक्स इधर आएगा प्लस होगा ट्वेल्व और टू मिलके फोर्टीन एक्स, फोर्टीन एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पे हमारा एक वेरिएबल एक्स जिसका हाईएस्ट पावर थ्री मिला, हाईएस्ट पावर, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज नॉट नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306, तो लेट करते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर, लेट फर्स्ट इंटीजर इज एक्स, लेट फर्स्ट इंटीजर इज एक्स एंड सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज एक्स प्लस वन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x ब्रैकेट में x प्लस वन इक्वल टू 306, इक्वल टू 306, टू प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x ब्रैकेट में x प्लस वन इक्वल टू 306। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन एक बार रिपीट, क्वेश्चन क्या क्या रहा था कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लीकेशन इज 306। तो लेट कर लेते हैं फर्स्ट इंटीजर इज एक्स, अगर कोई नंबर फोर है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगला फाइव आएगा, जैसे हम गिनती करते हैं उस तरह से। पहला इंटीजर एक्स है, दूसरा इंटीजर एक्स प्लस वन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मल्टी प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, एक एक्स हुआ दूसरा एक्स प्लस वन, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्वल होगा 306 के। अब सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, 306 अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 306 आएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं। अब पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, पहला मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम करते क्या है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो फॉर्म का है। इसमें हम क्या करते हैं, ए और सी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इंटू सी, ठीक है, ए और सी का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका हम फैक्टर करते हैं,
करने पे यहां जो नंबर हमें मिलते हैं उससे हम प्लस माइनस करके हम बी लाते हैं। अगर बी हमें मिल जाता है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसको हमें सॉल्व करना है फैक्टर मेथड से। अब हम क्या करते हैं, इसका कंपेयर कराते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इंटू सी का मल्टीप्लाई, यानी यहां पे सी हमारा सिक्स है, सी इक्वल टू सिक्स, ए हमारा वन है, कुछ नहीं है तो यहां पे वन छुपा हुआ है, ए इक्वल टू वन, सी इक्वल टू सिक्स। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू सी का, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स। अब हम इसका फैक्टर करते हैं, टू थ्री जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री। अब हम देखेंगे यहां पे हमारा बी क्या है, फाइव है, बी हमारा फाइव है, तो अब इस पेयर को हम ऐसे ट्रीट करेंगे कि हमें फाइव मिले। अगर हम थ्री टू प्लस कर दे तो फाइव मिल जाएगा, तो हम ऐड, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स को टू एक्स प्लस थ्री एक्स लिख सकते हैं। ठीक, अब प्लस सिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स, ये हमारा फैक्टर हो गया। अब यहां से हम x को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस टू, x प्लस टू दूसरा ब्रैकेट हमारा प्लस, इन दोनों में हम थ्री कॉमन ले लेते हैं, यहां क्या मिलेगा x प्लस टू, x प्लस टू दोनों में कॉमन, x प्लस टू दोनों में कॉमन, x प्लस थ्री। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इक्वेशन के बाद हर जगह जीरो होगा, इक्वल जीरो। इस तरह से हमारा फैक्टर हो गया। अब हम इससे x की जीरो वैल्यू निकालेंगे, एक बार x प्लस टू यहां जीरो के अपॉन में जाएगा तो ये जीरो बन जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहां से x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस थ्री, x की वैल्यू माइनस थ्री। दूसरा कंडीशन, एक बार x प्लस थ्री जीरो के अपॉन में जाएगा तो वो जीरो बन जाएगा, तो यहां से x प्लस टू की वैल्यू होगी, x प्लस टू की वैल्यू जीरो के बराबर होगी, तो एक्स इक्वल टू यहां पे आएगा माइनस टू। ये हमारे दो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। दूसरा मेथड है फॉर्मूला मेथड ऑफ द सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड सेकेंड। अगला मेथड है हमारा फॉर्मूला मेथड, इसको हम श्रीधराचार्य मेथड भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो फॉर्म का है, इसको हम क्या करते हैं, सीधे फॉर्मूले पे पुट कर लेते हैं, सीधे फॉर्मूले पे हम इसको रख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा होता क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का फॉर्मूला है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब इसको हम अगर सॉल्व करें, इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं और उस मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं इसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है हमारा, एक्स स्क्वायर
प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। इसको अगर हम सॉल्व करें फॉर्मूला मेथड से, तो अब हम देख इसको कंपेयर कराने पे, हमने यहां कंपेयर कराया था तो यहां पर हमें a इक्वल टू वन मिला, b इक्वल टू फाइव मिला था, c इक्वल टू सिक्स मिला था। अब वही चीज हम यहां पे पुट कर देंगे, x इक्वल टू माइनस b, b की वैल्यू यहां पे क्या है, फाइव है, b की वैल्यू फाइव है, तो हम यहां पे b की वैल्यू को फाइव रख लेंगे, प्लस माइनस रूट में b, b की वैल्यू फाइव थी, b स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, तो b की वैल्यू 25 माइनस फोर हमारा फॉर्मूले में है, इनटू ये हमारा वन था, वन इंटू सी हमारा सिक्स है, सी हमारा सिक्स है, अपॉन टू ए, टू इंटू वन यानी टू वन जे टू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस फाइव प्लस माइनस सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, 25 में से 24 गया, 1 बचेगा, 1 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 बचेगा, यहां हम लिख सकते हैं 1, 2, एक बार फिर से ये 1 कैसे आया, 25 माइनस 24, 25 में से 24 गया 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो x की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करते हैं हम, टेकिंग पॉजिटिव साइन, यहां पे हमारा दो सिंबल है, एक प्लस है एक माइनस है, तो पहले हम प्लस लेते हैं या माइनस लेते हैं, फिर बाद में माइनस या प्लस लेते हैं, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस फाइव प्लस वन अपॉन टू, ठीक है, माइनस फाइव में वन जोड़ेंगे तो माइनस फोर होगा, अपॉन टू, टू टू जा फोर, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू। दूसरा रूट टेकिंग निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन, अभी यहां पे हम क्या लेंगे, x इक्वल टू माइनस फाइव माइनस वन, क्योंकि यहां पे प्यारे बच्चों हमारा दो प्लस और माइनस साइन था, ठीक है, अब माइनस वन ले लिए अपॉन टू, माइनस वन माइनस फाइव मिलके माइनस सिक्स अपॉन टू, टू थ्री जा सिक्स, यानी एक रूट हमारा क्या मिला, माइनस थ्री। हमने फैक्टर मेथड भी किया तो हमारा दोनों दो रूट मिला, एक माइनस टू एक माइनस थ्री, और इस फॉर्मूले मेथड से भी हमने किया तो एक मिला हमें माइनस थ्री और एक रूट मिला माइनस टू। तो इस तरह से फॉर्मूला मेथड हम यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला मेथड का यूज होता कहां है, जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर फैक्टर ना बना पाए तो वहां पे हम फॉर्मूला मेथड यूज करते हैं, और एग्जाम में जब हमको दिया रहे कि जिस मेथड से करना है वहां पे वो अप्लाई करेंगे। अब एक लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन, लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन लेते हैं, और ट्रेन ट्रेवल ऑफ डिस्टेंस 360 किलोमीटर, मान लेते हैं कोई दो स्टेशन है, लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन हमारा ए और बी कोई दो स्टेशन है, एक ट्रेन ट्रेवल कर रहा है 360 किलोमीटर, एक ट्रेन ए से बी तक जाने में 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कह रहा है ट्रेन की अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, जो ट्रेन की स्पीड है वो बढ़ा दी जा रही है कितना, प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, तो कह रहा है कि वो ट्रेन अपने डिस्टेंस पे पहुंचने पे एक घंटे कम समय ले रहा है। तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था हमारा, एक बार रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन,
एक ट्रेन 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, फिर कह रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो इस कितने एक घंटे जल्दी पहुंच रही है, तो ट्रेन की स्पीड क्या है? तो लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज एच, स्पीड ऑफ ट्रेन इज एच, स्पीड ऑफ ट्रेन इज एच। तो जब ट्रेन की स्पीड एक्स थी पहले पहले अकॉर्डिंग, जब ट्रेन की स्पीड एक्स है तो उसका टाइम टाइम टी वन इक्वल टू, टाइम इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम वन इक्वल टू डी हमारा 360 किलोमीटर है अपॉन स्पीड है एक्स, स्पीड हमारा एक्स है। ये इक्वेशन नंबर वन। अब अगला कंडीशन क्या कह रहा है, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, इफ स्पीड इंक्रीज 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 5 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन है उसकी स्पीड एक्स थी जब 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जा रही है, तो उस कंडीशन में जो हमारा टी टू टाइम लेगा, क्योंकि समय में अंतर होगा, अगर 2 बजे पहुंच रहा है अगर स्पीड बढ़ जाए तो वो 12 बजे भी पहुंच सकता है, 10 बजे भी पहले भी पहुंच सकता है। तो टी टू इक्वल टू 360 अपॉन प्लस 5, ये हमारा नया टाइम बनेगा क्योंकि ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी गई है, ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी गई है। अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू, ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर यहां पे स्पीड कम है तो ये टाइम ज्यादा होगा और वहां पे स्पीड बढ़ गई तो वो टाइम कम होगा। तो क्वेश्चन कह रहा था कि जब ट्रेन की स्पीड कम थी तो वो जब टाइम स्पीड बढ़ी तो उन दोनों के डिफरेंस में 1 घंटे का इंटरवल है। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहे हैं, T1 ज्यादा टाइम ले रहा है और T2 कम टाइम ले रहा है क्योंकि वहां पे स्पीड ज्यादा हो गई, तो T1 में से जब T2 माइनस करें तो 1 घंटे का इंटरवल क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो वो 1 घंटा कम समय ले रहा है। तो आप T1 की वैल्यू रख देंगे यहां पे 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 1। क्लियर? अब क्या करेंगे हम एलसीएम लेते हैं, x ब्रैकेट में x प्लस 5 x प्लस 5 एलसीएम लेंगे, x कटा 360 ब्रैकेट में x प्लस 5 माइनस 360 एक्स इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, 360 एक्स प्लस 500 5 6 30 पावर लगा 3, 5 3 15 3 80 माइनस 360 x अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई अगर करें तो x स्क्वायर प्लस 5x,
इक्वल टू वन। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? अब प्लस माइनस ये कट जाएगा। अब हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 1800 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई वन से कर लेगा नीचे का डिनोमिनेटर हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब 1800 को ट्रांसफर इस साइड कर दे तो हमारा इक्वेशन बनेगा माइनस बराबर जीरो। अब हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी थी, ट्रेन की हमें स्पीड फाइंड करनी है, तो एक्स स्क्वायर। अब हम चाहे तो फैक्टर मेथड करें या फॉर्मूला मेथड, तो हम चेक कर लेते हैं, अगर फैक्टर हो रहा है तो इसका फैक्टर कर देंगे, 1800 900 बार में गया, 2 से 450 बार में गया, 2 से 225 बार में गया, 3 बार में ले जाते हैं, 37 जा 21, 35 जा 15, 3 से 25 बार में 5 बार ले जाएं, 55 जा 25 होता है, 5 से 1 बार में। अब हमें 5 लाना है यहां पे, 2 जा 4, 4 जा, अब हम ऐसा पेयर बनाएंगे कि हमें 5 मिले, 18 2 36 72 नहीं, 2 2 4 4 2 8 8 3 24, 5 3 15 15 5 75, तब भी नहीं मिल रहा है 5। 5 लाने के लिए हम और देखते हैं, 2 2 4 4 2 8 8 5 14, हाँ यहाँ पे हमारा फैक्टर बना, 2 2 4 4 2 8 8 5 14, 5 3 15 15 3 45, तो अगर 15 में एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे अगर हम देखें 2 2 4 2 8 5 40 8 5 40 होगा और 5 3 15 15 3 45, तो यहां पे 45x माइनस 40x। क्लियर, अब यहां पे होगा 45 माइनस 40x प्लस माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब यहां पे राइट डाउन कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो अब यहां पर अब हम कॉमन लेते हैं, ये पहले दो नंबरों में x कॉमन होगा हमारा, x कॉमन लेते हैं, बचेगा क्या, x प्लस 45 माइनस माइनस कॉमन, अब यहां से हम 40 कॉमन लेते हैं, x, अब माइनस कॉमन लिए हैं यहां माइनस का, तो प्लस बन जाएगा, प्लस 1800 में से अगर 40 कॉमन लिए तो 45 बचेगा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में x प्लस 45 हमारा कॉमन है तो उसको कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 45, x माइनस 40 इक्वल टू 0। क्लियर, अब यहां से हम देखेंगे, एक बार x माइनस 40 0 के अपॉन में जाएगा तो ये x प्लस 45 इक्वल टू 0 होगा, x प्लस 45 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 45 x माइनस 45। अब हमारी स्पीड तो निगेटिव होगी नहीं क्योंकि स्पीड एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं इस आंसर को,
हम लिखेंगे क्या, स्पीड इज नॉट इन नेगेटिव साइन। अब हम लेते हैं दूसरा, x माइनस 40 इक्वल टू जीरो, तो यहां से x की वैल्यू जीरो आ गई। तो हम कह सकते हैं ट्रेन की जो एक्चुअल स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। तो हेंस द स्पीड ऑफ ट्रेन, द स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, समझ में आया? ठीक, नेचर ऑफ रूट्स और नेचर ऑफ जीरोज, क्लियर। अब देखते हैं जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो हम इसमें डी निकालते हैं। डी होता है क्या, हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये हम निकालते हैं। अब कंडीशन पहला, अगर डी हमारा जीरो से बड़ा हो जाए, डी इज ग्रेटर देन जीरो, इस कंडीशन में मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमारा जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि डी हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होता है, सॉरी डी इक्वल टू हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। तो मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो। तो इस कंडीशन में जो हमारे रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जीरो या रूट्स होंगे, उसका नेचर क्या होगा? पहला नेचर होगा रियल रूट होंगे हमारे। रूट कैसे होंगे? रियल रूट क्या होंगे प्यारे बच्चों? रियल होंगे। दूसरा टाइप क्या होगा? अलग अलग होंगे। जैसे सॉल्व करने पे x की एक वैल्यू 5 आ रही है तो दूसरा वैल्यू 6, एक 10 आ रहा है तो दूसरा 20, एक 15 आ रहा है तो दूसरा 16 आ जाए, इस तरह से। तो मान लेते अगर एक रूट अल्फा आ रहा है तो दूसरा रूट आएगा बीटा। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक? दो रूट होंगे, एक रियल रूट मिलेंगे, दोनों रियल होंगे, एक रूट अल्फा है तो दूसरा बीटा, यानी दो डिफरेंट रूट मिलेंगे। कंडीशन नंबर टू, सेकेंड कंडीशन नंबर टू, अगर डी हमारा जीरो के इक्वल हो जाए, डी हमारा जीरो के इक्वल हो जाए तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमारा जीरो के इक्वल हो जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट डी हमारा जीरो के इक्वल हो जाए तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के इक्वल होगा। जीरो के इक्वल होने का मतलब नेचर क्या होगा इस रूट का? नेचर और टाइप, नेचर होगा कि वो भी रियल रूट होंगे। नेचर है रियल रूट। टाइप क्या होगा? दोनों रूट इक्वल होंगे। जैसे अगर एक एक्स टू आ रहा है दूसरा एक्स भी टू ही आएगा, अलग अलग नहीं होंगे। तो कहने का मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट भी अल्फा ही होगा। क्लियर, अगर एक रूट बीटा है तो दूसरा रूट भी बीटा ही होगा। तीसरा, अगर डी हमारा जीरो से स्मॉल हो जाए, डी हमारा जीरो से स्मॉल हो जाए तो इस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी छोटा हो जाए जीरो से, तब इस कंडीशन में जो हमारा नेचर होगा
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर होगा वो रियल नंबर नहीं मिलेगा, वो इमेजिनरी नंबर मिलेगा, इमेजिनरी नंबर। और टाइप क्या होगा? नो रियल रूट, नो रियल रूट, मतलब कोई रूट रियल नंबर में नहीं मिलेगा। नो रियल रूट्स या नो रियल जीरोज, क्लियर? रिपीट अगेन, इफ डी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब यह है कि डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि जीरो से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर ही हो सकता है। तो डी ग्रेटर देन जीरो, उस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। तो नेचर क्या होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? दो रियल रूट होंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसके दो रूट मिले थे, एक माइनस टू और एक माइनस थ्री मिला था ना पिछले क्वेश्चन में। तो माइनस टू अलग है, माइनस थ्री अलग है, दोनों अलग अलग रूट है। तो कहने का मतलब चेक कर लेते हैं हम, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 25 माइनस 4 ए सी, 6 वन जा 6, 4 6 जा 24, 25 में से 24 गया तो आएगा 1, 1 जीरो से हमारा बड़ा था। तो जब जीरो से बड़ा हो गया तो दोनों रूट रियल होंगे, माइनस 2 और माइनस 3 आया था तो वो रियल रूट होंगे और दोनों अलग अलग होंगे, अल्फा माइनस 2 है तो बीटा माइनस 3 है, क्लियर? अगला हमारा है d इक्वल टू जीरो। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं कोई यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं d इक्वल टू जीरो के लिए, जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब यहां पे हम देखेंगे d अगर जीरो के इक्वल हो जाए तो देखते हैं हम d पे, यहां पहले d निकाल लेते हैं, d होता क्या हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, d हमारा क्या है यहां पे 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस फोर ए सी, ए वन सी वन, फोर वन जा 4, 4 में से 4 गया 0, तो d हमारा किसके इक्वल आ गया? 0 के। d हमारा 0 का इक्वल आने का मतलब नेचर रियल होंगे, रूट्स रियल होंगे और टाइप क्या होगा? दोनों इक्वल होंगे, अल्फा अल्फा दोनों होंगे। अब हम इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो सॉल्व करेंगे अगर इसको तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट लेगा, जीरो का अंडर रूट जीरो ही होगा, तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन। एक आंसर माइनस वन आया, दूसरा आंसर भी इसका तब क्या होगा? माइनस वन ही होगा। तो एक्स की दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी और दोनों रूट रियल हो गए। तीसरा कंडीशन, डी अगर हमारा जीरो से छोटा हो, कहने का मतलब ये निगेटिव मिले हमें, तो वो नेचर इमेज रूट इमेजिनरी होगा। कहने का मतलब अगर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर हम निकालते हैं, मान लेते हैं हमारा आंसर आता है माइनस एट, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला था एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिखते थे यहां पे, तो वो माइनस एट है, माइनस एट। अब माइनस का अंडर रूट एक इमेजिनरी नंबर होता है तो कोई रियल रूट हमें नहीं मिलेगा, ठीक? क्लियर है यहां पे? अब इस पे टाइप के दो क्वेश्चन करते हैं सिचुएशन। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू जीरो, प्लस 3 इक्वल टू जीरो, कह रहा है कि इसके रूट इक्वल है, इसके रूट इक्वल है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू जीरो, इसके रूट इक्वल है, तो कह रहा है कि k की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर रियल इक्वल रूट है तो कंडीशन मेरा होगा बी स्क्वायर माइनस फोर एसी इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी इक्वल टू जीरो, वो सेकेंड कंडीशन, क्योंकि वहां पर रूट रियल है और इक्वल है। तो बी स्क्वायर, बी की जगह यहां पे क्या है, के है, के का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए, क्या है हमारा टू है, सी क्या है हमारा थ्री है, इक्वल टू जीरो, के स्क्वायर फोर टू जा एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, 24 उधर जाएगा तो प्लस 24 होगा, अगर 24 इधर जाएगा तो प्लस 24, के स्क्वायर बराबर 24। अगर हम इसको रूट निकालें तो के इक्वल टू 24 को पेयर करेंगे तो 4 इंटू निकाल लेते हैं, हम 24 का फैक्टर कर लेते हैं, 12 6 थ्री, टू का एक पेयर मिला तो टू हम बाहर निकाल लेंगे, रूट में बचा क्या, सिक्स प्लस माइनस, यही हमारा के का वैल्यू है, क्लियर हुआ, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन है, कह रहा है किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर 80 मीटर है, किसी रेक्टेंगल, किसी प्यारे बच्चों किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर 80 मीटर है, एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन करा है कि क्या ये पॉसिबल है, अगर है तो फाइंड एल एंड बी, लेंथ एंड ब्रेथ, किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर 80 मीटर, एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, तो कह रहा है कि अगर ये पॉसिबल है तो लेंथ एंड ब्रेथ निकालिए, क्लियर। अब पहले हम इसको, पहले ऐसे क्वेश्चंस में पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर नेचर ऑफ रूट निकालेंगे, अगर उसका सॉल्यूशन पॉसिबल हो तो फिर हम डायमेंशन फाइंड कर लेंगे, क्लियर। तो देखते हैं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता क्या है, टू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो टू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 80, क्लियर है। एल प्लस बी टू से डिवाइड कर देंगे तो 40 बार में, क्लियर। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पहले है कुछ, अब क्या कह रहा है, एरिया हमारा 400 मीटर स्क्वायर है, एरिया हमारा 400 मीटर स्क्वायर है, तो इस कंडीशन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। तो अब ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, एल ब्रैकेट में, अब चाहे हम बी की वैल्यू एल के लिए निकाल लें या एल की वैल्यू बी के लिए, तो हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू एल के लिए निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहां से अगर हम इसको और सॉल्व करें तो बी इक्वल टू 40 माइनस एल होगा, 40 माइनस एल, तो बी, अब यहां पे बी की वैल्यू 40 माइनस एल लिख देंगे 400, क्लियर, कोई दिक्कत यहां था, 40L माइनस L स्क्वायर इक्वल टू 400, क्लियर है। L स्क्वायर हम इधर भेज दें तो पॉजिटिव हो जाएगा L स्क्वायर, 40L इधर भेज दें माइनस 40L, और 400 तो है ही इधर तो प्लस 400 बराबर जीरो, क्लियर, राइट डाउन। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब देखेंगे हम, अब
अब इसका नेचर निकालें कि क्या इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। तो अब निकालते हैं वी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। प्यारे बच्चों यहां बी कौन है, माइनस 40, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। बी यहां क्या है, माइनस 40, माइनस 40 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस 4, ए हमारा 1 है, सी हमारा 400 है, 40 का स्क्वायर 1600 होगा, बराबर 1600 माइनस ये भी होगा 1600 इक्वल टू जीरो। तो डी हमारा जीरो के इक्वल आ गया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के इक्वल आ गया। तो कहने का मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दो इक्वल रूट मिलेंगे, तो वो रेक्टेंगल हमारा स्क्वायर हो गया और रियल रूट होंगे, तो मतलब ये पॉसिबल है। तो हम अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं। एल का हमारा वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एल इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू माइनस 40 यहां है ही, और माइनस फॉर्मूले का दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 40 प्लस माइनस रूट में, हमने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाला वो जीरो हो गया है, तो जीरो की वैल्यू जीरो ही होगी यहां पे, अपॉन 2a, 2a का मतलब यहां 1 है, ये है 2a, तो यानी 2 होगा केवल। तो l इक्वल टू 40/2 इक्वल टू 20 मीटर, लेंथ हमारा क्या आ गया, 20 मीटर आ गया। तो अगर हम ब्रेथ निकालें, ब्रेथ के लिए जो मेरा पहला इक्वेशन था l प्लस b इक्वल टू 40, क्या था हमारा पहला इक्वेशन, l प्लस b इक्वल टू 40। तो प्यारे बच्चों लेंथ यहां से 20 मीटर आ गया है, 20 प्लस b इक्वल टू 40, तो b इक्वल टू 40 में से 20 गए 20 मीटर, तो मतलब लेंथ भी हमारा 20 मीटर, ब्रेथ भी हमारा 20 मीटर, तो ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर फॉर्म का हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, तो ये पॉसिबल है, ये हमारा सॉल्यूशन था। तो आज ये क्लास कंप्लीट हुई।